welcome back to my channel. So today is 11th of February. आज है मेरा birthday. तो जी हाँ, मेरा birthday है. तो birthday है और मैं ready हो गई हूँ. रिशान, तो रिशान और देखते हैं कहाँ जाते हैं, हस्बैंड कहाँ लेके जाते हैं, क्या स्पेशल होता है. वैसे कुछ भी स्पेशल नहीं है, हम घर में ही सेलिब्रेट करने वाले हैं. और बस अभी टाइम हो चुका है 11 o'clock. शगुन स्कूल में है तो हम लोग बस जा रहे हैं ऐसे कॉफ़ी पीने, तो थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट द डे. और आप लोग एंड यहाँ पर हस्बैंड कर रहे हैं बारबेक्यू की प्रिपरेशन. तो मीनवाइल जब तक वो बारबेक्यू के लिए ये रेडी करेंगे सब कुछ, मैंने किचन में अपना चिकन भी मैरिनेट करके रख दिया है. एंड ये चिकन टिक्का का जो फ्लेवर इस कोयले पे जो बनता है स्मोकी फ्लेवर, बहुत ही यमी आ रहा था खाने में. जो मैं बेक करती हूँ और इसमें बनाने में बहुत डिफरेंस है, मतलब इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है खाने में. एंड यहाँ हो गई है नेक्स्ट डे बर्थडे मॉर्निंग. तो बस मैंने डे की स्टार्ट भगवान जी की पूजा से की है ताकि मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाए. एंड आफ्टर दैट मैं प्रसाद में यहाँ हलवा बना रही हूँ. तो हलवा मेरे को सिंपल सा बनाना था जो फटाफट बन जाए, तो मैंने आटे का हलवा बनाया जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा. तो यहाँ मैं खुद ही बना रही हूँ. अगर मेरी मम्मी होती, मैं अगर अपनी मम्मी के घर होती तो वो मेरे लिए डेफ़िनेटली कुछ और अच्छा बनाती. अगर मैं अपने ससुराल में होती तो डेफ़िनेटली मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छा कुछ बनाती. बट मेरे को खुद ही बनाना था, क्योंकि अगर आप यहाँ अकेले हो कहीं पे भी तो आपको अपने लिए डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर करना चाहिए, कुछ अपने लिए जो आपको अच्छा लगे करने में. अपने आप को भी थोड़ा ट्रीट देना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे बनाया है यम्मी सा हलवा. एंड ये हलवा मैं पहले भोग लगा दूँगी भगवान जी को. हस्बैंड आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आ गए हम लोग कॉफ़ी पीने. तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सा कॉफ़ी इन्जॉय किया. एंड उसके साथ हस्बैंड ने मेरे लिए ये कपकेक लेके आए हैं जो कि बहुत टेस्टी है, यूनिकॉर्न कपकेक. वो वैसे देखने में ही इतना सुंदर है तो मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा था, वो देखने में इतना सुंदर था. बट हाँ, फिर भी हमने इसे खाया और साथ में कॉफ़ी इन्जॉय किया. तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा, क्योंकि शगुन स्कूल में है तो थोड़ा ईजी हो जाता है रिशान के साथ निकलना. एंड हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं केक, तो केक भी हम लोगों ने फाइनल कर लिया है. तो बहुत ज़्यादा बड़ा केक नहीं चाहिए, ऑलरेडी इतना भी केक सफिशिएंट, मतलब ज़्यादा ही हो जाता है हम लोगों के लिए. एंड आफ्टर दैट बर्थडे है तो गिफ्ट तो बनता है. तो गिफ्ट मैंने ये खुद से ही पसंद किया कि हाँ मुझे हैंडबैग चाहिए, तो हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल प्यार से दिलाया. उसके बाद हमें काफ़ी भूख लग गई थी क्योंकि ऑलमोस्ट ब्रंच ही कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ पे हम लोग का वो भी हो चुका है और अब हम जा रहे हैं घर. केक भी ले लिया है हम लोगों ने, अब मैं जाऊँगी घर क्योंकि शगुन को हमें स्कूल से भी पिक करना है. यहाँ पे चल रही है थोड़ी बहुत इवनिंग के लिए डेकोरेशन. तो ये डेकोरेशन मैंने ऑलमोस्ट खुद ही किया है क्योंकि हस्बैंड का भी ऑफिस था एंड शगुन भी स्कूल से आई है. आप क्यों करोगे, हम भी इसमें आपका थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे. तो मैं सब कुछ कर चुकी थी, बट हाँ ये लोगों ने 20% जो ऊपर था वो सब बोला कि हाँ कि समझ लो हमने भी ये किया है, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया. एंड ये कार्ड शगुन ने बहुत ही प्यार से स्कूल से आने के बाद मेरे लिए बनाया. तो एक के लिए
मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे हस्बैंड ने पूरा डेकोरेट कर दिया ये सारा, अच्छा लग रहा है। और डेकोरेट उन्होंने लाइक 80% मैंने भी किया है और उन्होंने शगुन ने और रिशान तीनों ने मिलके बाकी चीज़ें यहाँ पे की हैं। ये वाला कार्ड भी शगुन ने बनाया है टू मामा फ्रॉम रिशा। केक कट करने के बाद हम लोग आ गए हैं डिनर करने, और डिनर करने के लिए हम लोग यहाँ पास के घर के पास ही हमारे एक रेस्टोरेंट है, ये नया खुला है तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। और हमने जो भी चीज़ें ऑर्डर की थी हमें नॉर्मल लगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट उतना ज़्यादा नहीं पसंद आया, बट हाँ ठीक था। हमने स्टार्टर में यहाँ ऑर्डर किया है चिकन टिक्का एंड टिक्की चाट भी मंगाई है, तो टिक्की चाट भी मंगाई है और दोनों का टेस्ट नॉर्मल था, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल मुझे ऐसा लगा नहीं। एंड रिशान भी यहाँ पे खा रहा है कर्ड, तो उसको भी मैं यहाँ पे कर्ड, उसको बहुत पसंद है। मेरा आज का बर्थडे स्पेशल व्लॉग, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर मेरा ये बर्थडे व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, डू सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।